कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का आखिरकार एनकाउंटर हो गया। उज्जैन से जब यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को कानपुर ला रही थी, तब रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी दौरान विकास ने भागने की कोशिश की तो पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल पुलिस के मुताबिक इसी मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे को मारा गया है। विकास दुबे को स्ट्रेचर पर कानपुर के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में लाया गया। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को कानपुर ला रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी शुक्रवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। बता दें कि 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे ने 7 दिनों तक 3 राज्य में लुका छिपी का खेल खेला और फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेंडर किया। करीब 154 घंटे बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी के करीब 21 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर हो गया। 12 घंटे का सफर, 670 किलोमीटर की दूरी मध्य प्रदेश पुलिस ने उससे 8 घंटे की बातचीत के बाद यूपी पुलिस को सौंपा। उज्जैन से कानपुर, जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इस बीच करीब 670 किलोमीटर की दूरी तय हुई और करीब 12 घंटे लगे और शुक्रवार सुबह उसका एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उस समय विकास दुबे हथियार छीनकर भाग निकला। घटनास्थल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। विकास दुबे के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने गोली की आवाज़ सुनी। इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए। हम लोगों ने गोलियों की आवाज़ सुनी। हादसे को लेकर यूपीएसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने से बच रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नज़र से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलट गई। विकास दुबे की तलाश एक हफ्ते से की जा रही थी, लेकिन पुलिस की पकड़ से वो दूर ही रहा। गुरुवार को अचानक वो उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर मिला, जहां उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्त में आने के 24 घंटे के अंदर ही विकास दुबे को मारा गया। विकास दुबे को यूपी पुलिस हरियाणा और राजस्थान में तलाश रही थी, लेकिन वो मिला मध्य प्रदेश के उज्जैन में। गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां उसने अंदर मंदिर के दर्शन किए। इसी दौरान किसी दुकानदार ने विकास दुबे को पहचाना, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी को सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस को बुलाया गया और पकड़ा गया। गुरुवार शाम को विकास दुबे को एमपी से यूपी लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यूपी एसटीएफ की टीम उसे कानपुर लेकर रवाना हुई। शुक्रवार सुबह एसटीएफ के काफिले के एक्सीडेंट की खबर आई। इसी दौरान विकास दुबे भागने लगा और एनकाउंटर में मारा गया।